जतून ए जरा चीनी ते दे मैं हलवा बनावत है मेरे मन में बड़ी शुगर मिल्ला लगाई हुई है जा जिस सूजी मांगे तुसे चीनी मांग यार वो पिछला बकाया भी है तेरे पास 200 रुपया वो तो पहले दे बच्चों को मैं देख लेता हूँ यार मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं तूने मुझे प्राइस बॉन्ड दे दिया है मैं तो प्राइस बॉन्ड तो क्या करूँ जा ले जाइए मुझे नहीं चाहिए प्राइस बॉन्ड यार क्या बात है ये बोल नहीं सकता सुन सकता है ये यार काफी गरीब शख्स लग रहा है मुझे तो दवाई दे दो ना यार उसे यार इतने कितने पैसे देते हैं आप इसने मुझे बहुत यार दे दिया मैं बोलता क्या करूँ यार मुझे 200 का बॉन्ड मुझे चाहिए था हाँ जी मैं ले लेता हूँ आप इसे दवाई दे दो ये मैं रख लेता हूँ आप ही 200 चलो ठीक है चलो यार इस बॉन्ड की करो नाजी तो कल है हो सकता है निकी काम आ जाए साईं की दुआ रंग लाई और उसी प्राइस बॉन्ड पर कमर का 4 लाख का इनाम निकल आया तो दूसरी तरफ साईं आज भी अल्लाह रखी और जैतून के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा है
एक और इंटरेस्टिंग फिल्म देखी हमने आज, दाने दाने पे, और इसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग इतने ज्यादा नहीं है, ये दो ही हैं, जबरान दाऊद और नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप राइटर हैं और आप डायरेक्टर हैं, वैसे तो बाकी बहुत आपने बहुत सारे काम किए, असिस्टेंट डायरेक्टर और ये वो, उसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले राइटर से, चूंकि मैंने दो दो हाथ करने हैं तो मैं हिदायतकारी भी आता हूँ जरा एक मिनट के बाद। अच्छा, ये कहानी कैसे लिखी, क्यों लिखी, कैसे ख्याल आया? एक्चुअली हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे कुछ टीचर्स ने इस तरफ ईरानियन मूवीज की तरफ जो है ना इंटरेस्ट डेवलप, धक्का दिया आप लोगों को, तो वो देखने के बाद हमने ये सोचा कि क्योंकि हमारा पाकिस्तान मीडिया पहले बहुत अच्छा था कि ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, तो हमने सिंपल टॉपिक्स को सोचा कि उठाने की तरफ जो है ना लेके। कोई ऐसी स्टेज आई बीच में आपने कहा यार किधर फंस गए यार, दफा करो, क्लासों में बैठ जाएंगे, कुछ बोल लेंगे, कोई इंटरनेट से कोई कट पेस्ट करेंगे, टका देंगे किसी को, किधर फंस गए फिल्म मेकिंग के चक्कर में यार, ये तो आवाम तंग कर रही है, सूरज नीचे जा रहा है, एक्टिंग हो नहीं रही है, साउंड खराब हो रही है? एक्चुअली ये काम वही कर सकता है जिसको ना एक जुनून हो, एक शौक हो, तो बस एक पैशन है, तो मुश्किलात फेस करेंगे तो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। एक एडिट किसने किया, आपने एडिट की फिल्म? एक मैंने सिर्फ उसमें से एक एडिट पॉइंट आपसे पूछना है इसमें, और चाहे आप मेरा जो डायरेक्टर है वो काट दे ये एपिसोड में या ना काटे, उसमें एक कट है जो कि मेरे ख्याल से या तो वो बहुत ही बेहतरीन कट है या वो तुका हुआ है। अब ये आपने मुझे बताना है कि वो तुका है, उसके पीछे कोई थॉट है कि जब वो माचिस क्यों रगड़ता और हम कट करते हैं आग के ऊपर? जी वो तुका नहीं है, पहले से डिसाइडेड है वो। जी ओके, दैट इज एन एक्सीलेंट कट। बल्कि हमने एक और भी इसी तरह का एक शॉट सोचा था कि वो जब कश लेगा और धुआं निकालेगा तो हम एक गाड़ी में से धुआं कट करेंगे जी, लेकिन वो कमी थी इसलिए शॉर्ट फिल्म था, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा दे नहीं सके। ओके ओके। अच्छा, कहानी के हवाले से एक दो बातें, क्योंकि इसमें डायरेक्टर राइटर दोनों गुनाहगार है मेरी नजर में। वो ये है कि वो जब डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर से उसका पिछला एक उधार है 200 रुपए का जितने का भी, तो डॉक्टर ने क्यों नहीं लिया प्राइस बॉन्ड में? डॉक्टर होता ही कोई होता वो तो ले लेता कि चलो 200 रुपए तो आई जाएंगे, निकल आया तो निकल भी आया, तो वो व्हाई वुड द डॉक्टर नॉट टेक दैट? उसने यही था कि कैश उसको चाहिए, तो इसलिए उसके साथ बैठे भी दोस्त को जो हमदर्दी उससे होती है तो वो कहता है कि ये मुझे दे दो, इस तरह की सूरत। He was not interested in price bond. अच्छा, एक और मैंने आपसे उस हवाले से सवाल ये पूछना है कि जो बंदा प्राइस बॉन्ड लेता है उसका निकलाता है प्राइस बॉन्ड और वो बड़ा खुश है, और झुग्गी वाले का बच्चा जो है वो सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया, वो भी बड़ा खुश है जी, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई पैसे वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है खुशी का, ये आइडिया था या ये मैंने आइडिया था? ओके जी, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल आइडिया है, जो गरीब है ना वो बस उसी में ही दो वक्त की रोटी में ही खुश है। अच्छा, इसका नाम आपने क्यों ऐसे रखा दाने दाने पे? हमारे मोहल्ले में एक हमारे मास्टर साहब थे, बहुत साल पहले की बात है, वो उन्होंने इस मुहावरे को ये कहावत है कि जूते जूते पे लिखा है खाने वाले, क्योंकि वो मारते बहुत थे अपने वो तालिबिल्मों को, तो मुझे तो आपने ये क्यों रखा इसका? स्टोरी से उसका काफी लिंक है इस टॉपिक का, क्योंकि आप देखें कि एक वो बॉन्ड जो है वो एक गरीब के हाथ आया और वो भी इत्तफाकन आया, और जी इत्तफाकन आया, उससे उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास जा रहा था लेकिन ले एक तीसरा बंदा गया, तो वो जिसका नाम लिखा है फिर उसी को मिला। आमतौर से कहते हैं कि जी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं एक राइटर के पास कि कहानी यहाँ से यहाँ निकल जाए या यहाँ निकल जाए, और डायरेक्टर के पास भी किसको ऐसे करे उसको वैसे करे। अब जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट देखते हैं मुकम्मल हुआ, तो आपको कहानी के पर्सपेक्टिव से या डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से क्या महसूस करते हैं, क्या क्या ख्याल आता है जहन में कि भाई ये एक चीज बन गई है, बस ये है, अमालनामा है सामने, ये है, तो क्या महसूस करते हैं हम दोनों? बहरहाल अब तो जो बन गई है ठीक है, नॉट दैट गुड, लेकिन ये कि ओके। अगली फिल्म कब आ रही है आपकी? इंशाल्लाह जल्दी, हम लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उसका जरूर, और उसमें वो आपने कट जो आपने हमें वादा किया है उस तरह वो या उस तरह का कोई और कट आपने लगाना है कि जरा से ऑडियंस जो है वो हैरान हो गए हैं। बहुत मजा आता है यंग फिल्म मेकर्स के साथ बात करते हुए, खास तौर से जो थिंकिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो सोचते हैं फिल्म के बारे में, कहानी के बारे में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, वही चैनल होगा, वही प्रोग्राम होगा, और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो वही होस्ट होगा, लेकिन आइडियाज नए होंगे, फिल्में नई होंगी और सोच नहीं होगी।
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. टेक केयर, खुदा हाफिज. शॉर्ट फिल्म वॉज प्रेजेंटेड बाय ओमोर आई.